हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे मिसलिनियस क्वेश्चंस। पहले के 60 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में पर्सन का नाम दे रखा है, लिस्ट 2 में कौन सी पार्टी के साथ वो एसोसिएटेड है। तो फर्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले, ये एसोसिएटेड है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के साथ। सेकंड है मदन मोहन मालविया, ये एसोसिएटेड है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। थर्ड है सी राजा गोपालचारी, ये स्वतंत्र पार्टी से एसोसिएटेड है। फोर्थ है वीडी सावरकर, ये फ्री इंडिया सोसाइटी से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है विच इज द पेंटिंग स्कूल ऑफ बिहार, बिहार के पेंटिंग स्कूल का नाम क्या है, मधुबनी। अब ये जो मधुबनी पेंटिंग स्कूल है, इसका नाम रखा गया है बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट के नाम से। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है मधुबनी और वहीं से इसका नाम पड़ा है, मधुबनी पेंटिंग स्कूल। नेक्स्ट है हु हैज रिटन झंडा गीत, झंडा गीत कौन सा है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये किसने लिखा है, ये लिखा है श्यामलाल गुप्ता प्रसाद ने। और फर्स्ट टाइम ये 13th of April 1924 को गाया गया था, 13th of April 1924 को गाया गया था, जब जलियांवाला बाग का शहीदी दिवस मनाया जा रहा था। तो उस टाइम पे ये गीत फर्स्ट टाइम गाया गया था। नेक्स्ट इज द सिस्टम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्विसेज वॉज एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल इन द ईयर, ये कब एक्सेप्ट किया गया था, जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का सिस्टम था, ये एक्सेप्ट किया गया था 1853 में थ्रू द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। नेक्स्ट है हु फाउंडेड द अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका जो है इसके फाउंडर कौन है, इसके फाउंडर है शिशिर कुमार घोष। कब फाउंड किया गया था ये अमृत बाजार पत्रिका, 1868 में। नेक्स्ट है व्हेन डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन कब अपॉइंट किया गया था, 1917 में अपॉइंट किया गया था। क्यों अपॉइंट किया गया था, कैलकटा यूनिवर्सिटी की कंडीशंस और उसके प्रोस्पेक्टस को इंक्वायर करने के लिए सैडलर कमीशन अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट है मैच करेक्टली, अब देखो जैसे कोई सत्याग्रह हुआ, बरदौली सत्याग्रह हो गया, या कोई इंसिडेंट है लाइक चौरी चौरा, तो ये यहाँ पे जो बरदौली हो गया चौरी चौरा, ये क्या है, ये एक प्लेस का नाम है। तो यहाँ पे हमने बताना है कि कौन सी प्लेस कौन सी स्टेट में है, राइट। तो बरदौली आता है सबसे पहले, बरदौली कहाँ पे है, ये है गुजरात में। चौरी चौरा ये उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है। यारवाड़ा ये कहाँ पे है, यारवाड़ा महाराष्ट्र में एक जगह का नाम है, और नौखाली वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड टैगोर ऑफ पंजाब, टैगोर ऑफ पंजाब किसको बोला जाता है, पूरन सिंह को। पूरन सिंह एक पंजाबी पोएट थे, प्रोफेसर पूरन सिंह है ये कौन थे, पंजाबी पोएट थे। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, लिस्ट 1 में पार्टी दे रखी है, लिस्ट 2 में पर्सन का नाम है, तो कौन सी पार्टी कौन से पर्सन से एसोसिएटेड है वो हमने बताना है। तो फर्स्ट है सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी राम मनोहर लोहिया की है। सेकंड है कम्युनिस्ट पार्टी, ये पीसी जोशी आ जाएगा। थर्ड है स्वराज पार्टी, सिया दास की है। और गदर पार्टी लाला हरदयाल की है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, फर्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आए थे, बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलिजली सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, ये जो सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम है ये लॉर्ड वेलिजली के टाइम पे आया था, ये भी सही है। थर्ड है लॉर्ड हेस्टिंग्स सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, अब ये जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी ये कब हुई थी, ये हुई थी 1803 से लेके 1805 के बीच में। तो इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलिजली। तो ये वाला जो है सी वाला, ये नॉट करेक्टली मैच्ड है, क्योंकि इसमें लॉर्ड वेलिजली आना चाहिए था, लॉर्ड हेस्टिंग नहीं आएगा। नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिक रेगुलेशन एक्ट 1829 आया था, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इन द हंटर कमीशन रिपोर्ट स्पेशल इम्फेसिस वॉज लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ, हंटर कमीशन जो आया था, हंटर कमीशन कब आया था, 1882 में आया था हंटर कमीशन।
कौन लेकर आए थे? लॉर्ड रिपन लेकर आए थे हंटर कमीशन। और हंटर कमीशन में मेन जो इम्फेसाइज किया गया था वो किया गया था प्राइमरी एजुकेशन की डेवलपमेंट पे, प्राइमरी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट की बात हुई थी हंटर कमीशन में। नेक्स्ट है द मराठी फोर्टनाइटली बिष्कृत भारत वॉज स्टार्टेड बाय। बिष्कृत भारत किसने स्टार्ट करा था? बी आर अम्बेडकर जी ने। अनटचेबल्स के लिए ये शुरू किया गया था 1927 में, ये शुरू किया गया था अनटचेबल्स के लिए और उनकी प्रॉब्लम्स को देखने के लिए ये शुरू किया गया था, उनकी प्रॉब्लम्स को बेसिकली सॉल्व करने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पब्लिश्ड बाय एनी बेसेंट। फर्स्ट है कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट का है पेपर। न्यू इंडिया, ये भी एनी बेसेंट का पेपर है। ये दोनों के दोनों जो पेपर है ये एनी बेसेंट ने पब्लिश करे थे, राइट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2। नेक्स्ट है द सॉन्ग वंदे मातरम विच सर्व्ड एज अ ग्रेट इंस्पिरेशन टू द पैट्रियोटिक सन्स ऑफ इंडिया इन देयर फ्रीडम स्ट्रगल इज इन द बुक। अब ये जो वंदे मातरम सॉन्ग है ये अनंत मठ से लिया गया है। अनंत मठ किसकी है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है। नेक्स्ट है हु रोट द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये जो सॉन्ग है ये सॉन्ग किसका है? ये सॉन्ग के राइटर है मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट है द एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनएक्टेड ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे आया था 1904 में। नाम क्या था? द एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। तो नेशनल मूवमेंट से एसोसिएटेड बुक है अनंत मठ। अनंत मठ में वंदे मातरम सॉन्ग भी अनंत मठ से ही लिया गया है, तो ये किससे रिलेटेड है? नेशनल मूवमेंट से। नेक्स्ट है द मेन रीजन फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू स्प्रेड मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस पीरियड वॉज। अब प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से कुछ टाइम पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन को स्प्रेड क्यों कर रही थी? क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उनको लोअर पोस्ट जो होती है जैसे क्लर्क की पोस्ट होती है उसके लिए एजुकेटेड इंडियंस चाहिए थे, क्योंकि अगर वो ब्रिटेन से बंदे मंगवाते थे, अपने इंग्लिश मैन मंगवाते थे, तो वो बहुत महंगे पड़ते थे वहाँ से क्लर्क की पोस्ट के लिए, किसी भी माइनर पोस्ट के लिए वहाँ से इनवाइट करना इनको बहुत महंगा पड़ता था। इसीलिए ये माइनर पोस्ट के लिए इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन को स्प्रेड कर रहे थे, राइट। द नीड फॉर एजुकेटेड इंडियंस इन माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, क्योंकि जो इंडियंस को ये क्लर्क वगैरह की पोस्ट के लिए अपॉइंट करते थे उनको सैलरी बहुत ही कम देते थे और इंडिया का ही बंदा होता था तो मंगवाने पे भी कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता था इनका। नेक्स्ट है हु एस्टैब्लिश्ड शांति निकेतन। शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस्टैब्लिश करा था 1901 में। शांति निकेतन स्कूल है, तो शांति निकेतन जगह का नाम है, वहाँ पे स्कूल इन्होंने इस्टैब्लिश करा था 1901 में। नेक्स्ट है हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1942 से 45 के बीच में ये लिखी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने, जब वो अहमदनगर फोर्ट में इम्प्रिजन करके उनको रखा गया था, तो उस टाइम पे उन्होंने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की बुक, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।